हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संतोष सर। यूनिक कंसेप्ट ऑफ हिज चैनल से ये एकमात्र ऐसा चैनल है जो एक चैप्टर नहीं, दो चैप्टर नहीं, ए टू जेड चैप्टर कम्प्लीट कराता है और जेई और नीट के लिए बेस्ट कंसेप्ट विथ बेस्ट न्यूमेरिकल्स प्रोवाइड करता है। तो आप वीडियो डेली देखते रहिए और नोटबुक और पेन लेकर नोट्स तैयार करते रहिए और वीडियो को ऐसे फ्रेंड के बीच शेयर कीजिए जिसे इसकी नीड हो और वो फी अफोर्ड नहीं कर सकता हो। तो आइए, आज का टॉपिक हम लोग का क्या है, तो फंक्शंस। पिछले लेक्चर्स में आपने पढ़ा फंक्शंस, फंक्शंस क्या है, व्हाट इज फंक्शन, ना फंक्शन पढ़ा हमने, जो दो वेरिएबल के बीच रिलेशन शो करता है, दो वेरिएबल के बीच जो रिलेशन शो करता है उसे फंक्शन कहा जाता है ना। फंक्शन में आपने क्या देखा, फंक्शन एक ऐसा मशीन है, एक ऐसा डिवाइस है जो दो वेरिएबल के बीच रिलेशन शो करता है। वेरिएबल मींस क्या, वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट मींस क्या होता है। वेरिएबल मींस वैसा क्वांटिटी जो वेरी कर रहा हो, जो चेंज हो रहा हो, चेंजेबल हो ना। तो जो भी क्वांटिटी वेरिएबल हो, चेंजेबल हो, चेंजेबल हो, वो वेरिएबल होगा। और जो चेंज नहीं होता हो, हर टाइम पहले जैसा था वैसे ही अभी भी है और आने वाले समय में भी वैसा ही रहेगा, तो वो कॉन्स्टेंट है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट और वेरिएबल का मेन रोल है। तो वेरिएबल जब आप पहचानते हैं, उसके बीच जो रिलेशन शो करता है उस डिवाइस को, उस मशीन को कहते हैं फंक्शन, है ना। जैसे आपने देखा कि एक जूसर मशीन था, जूसर मशीन में जब आप ऑरेंज डाले तो एक गिलास जूस निकला, दूसरा ऑरेंज डाले दूसरा गिलास जूस निकला, तीसरा ऑरेंज डाले तीसरा गिलास जूस निकला। तो जैसे जैसे आप नंबर ऑफ ऑरेंजेज को चेंज कर रहे हैं वैसे नंबर ऑफ ग्लास ऑफ जूस चेंज होता जा रहा है, नहीं ये चेंज होता जा रहा है। तो दो वेरिएबल है ना, क्या आपके ऑरेंज को उसमें डालने से क्या मशीन चेंज हो गया, क्या मशीन में कोई चेंजिंग नहीं हुई। तो मशीन ही एक ऐसा फंक्शन है जो नंबर ऑफ ऑरेंजेज और नंबर ऑफ ग्लास ऑफ जूसेज जूस को के बीच रिलेशन शो कर रहा है। मशीन नहीं होती तो आप ऑरेंज से जूस नहीं निकाल सकते थे, तो इसी मशीन को फंक्शन कहते हैं, फंक्शन इसे ही कहा जाता है ना। तो हमने देखा फंक्शन सेवन टाइप का होता है, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने लिखा है ना, सेवन टाइप का फंक्शन होता है। तो आइए आज पहला लेक्चर, पहला फंक्शंस क्या है वो देखते हैं। लीनियर फंक्शन, फर्स्ट क्या था, लीनियर फंक्शन। वो लीनियर फंक्शन क्या होता है देखते हैं। लीनियर फंक्शन, लीनियर फंक्शन ना, लीनियर फंक्शन है। इसे ये किसे कहा जाता है, लीनियर फंक्शन क्या होता है ये देखते हैं। तो वैसा फंक्शन जिसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता हो, स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो या उसका इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता हो, उस इक्वेशन को कहा जाएगा लीनियर फंक्शन ना। लीनियर फंक्शन आप किसे कहेंगे, आगे बात समझ में। लीनियर फंक्शन ऐसा फंक्शन जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ को शो करता हो, जब दो वेरिएबल के बीच का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है तो उसे हम लीनियर फंक्शन ही कहते हैं, लीनियर फंक्शन कहते हैं। और उसे बाय इक्वेशन, इक्वेशन भी उसका, इक्वेशन ऑफ लाइन स्ट्रेट लाइन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। तो इसे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है जो इस इक्वेशन को फॉलो करता हो, ऐसा फंक्शन जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को फॉलो करे वो होता है आपका लीनियर फंक्शन। ओके, देखिए क्या होगा, व्हेन ग्राफ ऑफ टू
two variables that is y is equal to fx. Now this function is a straight line, then it is linear function. क्या है मेन प्रिंसिपल इसका? जब ये लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन हम किसे कहते हैं? ओके, लीनियर फंक्शन ऐसा फंक्शन जिसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता हो वो होता है लीनियर फंक्शन. आ रही बात समझ में? तो आप देखिए, कोई भी फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स, इसकी ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है तो वो स्ट्रेट लीनियर फंक्शन कहलाएगा. इट फॉलोज इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन. नो, लीनियर फंक्शन इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन को भी फॉलो करता है. कैसे? इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन होता क्या है देखिए. वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. नो, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है. देखिए यहाँ पे m क्या है? स्लोप, स्लोप बोलते हैं. और c क्या है? इंटरसेप्ट पॉइंट बोलते हैं. इसे मैं प्रूफ करूँगा बाय फिगर, आपको शो करूँगा कि कैसे ये स्लोप क्यों है. अभी शो करने वाला हूं. तो आप क्या जानते हो कि y इज द फंक्शन ऑफ x ना. यहाँ पे वेरिएबल कौन है? y और x. इसके बाद जो कुछ भी है इसके अंदर, इससे जुड़ा हुआ, वो सब कांस्टेंट है. ठीक, वो सब कांस्टेंट होगा. m स्लोप है, स्लोप है, ये वेरी करता है. और वो कैसे होता है वो मैं अभी डिस्कस करूँगा. अब ये c क्या है? c कांस्टेंट है, कांस्टेंट इंटरसेप्ट पॉइंट बोलते हैं. ये फिक्स रहता है. तो y इज द फंक्शन ऑफ x का आप ये इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन लिखा है आपने. m इज स्लोप, स्लोप ऑफ टेंजेंट और c क्या है? व्हाट इज c? इंटरसेप्ट पॉइंट. ओके, इंटरसेप्ट पॉइंट है ये. इंटरसेप्ट पॉइंट इंटरसेप्ट वन बोलते हैं. सी क्या है? इंटरसेप्ट पॉइंट. देखिए सी इंटरसेप्ट पॉइंट कैसे है बाय ग्राफ शो करते हैं. मान लीजिए ये
इधर हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रखते हैं ना, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। इसमें आप क्या देख रहे हैं, कौन सा वेरिएबल इंडिपेंडेंट है और कौन सा डिपेंडेंट है, ये डिसाइड कीजिए। एक्स क्या है, नंबर ऑफ ऑरेंजेज, और वाई डिपेंडेंट है, नंबर ऑफ ग्लासेज है, नंबर ऑफ ग्लासेज ऑफ जूस है। तो नंबर ऑफ ग्लासेज ऑफ जूस डिपेंड कर रहा है ऑरेंज पे ना, नंबर ऑफ ग्लासेज ऑफ जूस ऑरेंज पे डिपेंड करता है, ऑरेंज से ना नंबर ऑफ ग्लासेज मिलेगी, वो इंक्रीज करेगा। क्या ऑरेंजेज भी डिपेंड करता है जूस पे क्या, नहीं ना। तो जूस से आप ऑरेंज नहीं निकाल सकते हैं, ऑरेंज से जूस निकाला जाता है। तो ऑरेंज क्या हुआ, ऑरेंज इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट, वो किसी पे डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब एक्स क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा एक्स एक्सिस के लॉन्ग लिखते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल वाई एक्सिस के लॉन्ग होता है। देखिए इधर एक्स एक्सिस है, इधर मैं लिख रहा हूँ यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इधर डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वाई, ऐसा होगा। देखिए तो y इज द फंक्शन ऑफ x है। इसमें जरा देखिए, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा, वो स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। जब कोई स्ट्रेट लाइन किसी y एक्सिस को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, देखिए ये स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, जिस पॉइंट पे भी इंटरसेक्ट करेगा उसे हम इंटरसेप्ट पॉइंट बोलेंगे। जब कोई स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, उस पॉइंट को इंटरसेप्ट पॉइंट बोला जाता है, इंटरसेप्ट c से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब आपको डिसाइड करना होगा कि ये इंटरसेप्ट पॉइंट पॉजिटिव y एक्सिस के लॉन्ग है या निगेटिव y एक्सिस के लॉन्ग है। ये c को इंटरसेप्ट किया और फिर इसके बीच जो एंगल फॉर्म हो रहा है ना यहाँ पे, तो इस y एक्सिस से हमें प्रूफ क्या करना है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कैसे आया, ये प्रूफ करना है हमें। तो हम एक काम करेंगे, इसे मैं थोड़ा एक्सटेंड करूँगा, ओके, और यहाँ से इसे देखिए। तो बताइए कि यहाँ से यहाँ तक पूरे हाइट में, यहाँ पे ज़रा देखिए, इसमें C ये तो ओरिजिन है, P और C, L. P, L की बात है, यहाँ पर थीटा एंगल फॉर्म हो रहा है, थीटा। इस ट्रायंगल की बात करता हूँ, इन ट्रायंगल सी पी एल, तो सी पी एल में पी एल कितना होगा, पी एल की बात कर रहा हूँ, पी एल कितना होगा, क्या पी एल इज इक्वल टू पी एल, यहाँ पे मैं क्यू लिख देता हूँ नो, तो कैसे पी एल कितना होगा, पी एल इज इक्वल टू एल क्यू माइनस पी क्यू, एल क्यू माइनस पी क्यू। तो पी एल इज इक्वल टू एल क्यू कितना होगा, वाई, ये टोटल लेंथ कितना होगा बताइए, वाई होगा ना, वाई माइनस पी क्यू कितना होगा, पी क्यू ओरिजिन से सी पॉइंट तक, इंटरसेप्ट पॉइंट तक का लेंथ कितना होगा, सी होगा सी, तो y माइनस सी होगा ये, ठीक। और अब ये क्या होगा, सी पी, सी पी इज इक्वल टू होगा x, x होगा यहाँ से यहाँ तक, तो ये आया y माइनस सी और ये आया x, ठीक। तो सी पी एल में tan थीटा यूज करेंगे, टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी पी एल अपॉन सी पी,
तो पी एल अपॉन सी पी है, पी एल देखिए क्या है, वाई माइनस सी टेन थीटा इज इक्वल टू वाई माइनस सी अपॉन वाई माइनस सी पी एल अपॉन एक्स है ना। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए तो एक्स टेन थीटा इज इक्वल टू वाई माइनस सी होगा। क्या करेंगे आप, अब वाई हमको फाइंड आउट करना है तो वाई इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा प्लस सी होगा ना। और इस टेन थीटा को ही स्लोप कहते हैं, स्लोप कहा जाता है, टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट कहा जाता है। तो और इसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट बराबर टेन थीटा इक्वल टू एम नो, स्लोप ऑफ टेंजेंट को हम टेन थीटा से लिखते हैं। एंगल चेंज होने से स्लोप चेंज होता है और फिर क्या होगा एम, इसे हम किससे लिखते हैं, एम से रिप्रेजेंट करते हैं, एम स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। अब इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं टेन थीटा के बदले एम लिख सकता हूँ, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होगा। ठीक, क्या ये प्रूफ हो गया ना कि ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो हम लोग जानते हैं ना कि हम लोग बेसिक मैथ पढ़ रहे हैं, बेसिक मैथ का सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग, लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, पूरे फिजिक्स को अगर आपको समझना है तो हमें इसको अच्छी तरह से कंप्लीट होना चाहिए। ये अगर कंप्लीट नहीं होगा हमें पूरे फिजिक्स में हमेशा डाउट रहेगा, डाउट क्लियरिफाई नहीं हो पाएगा। तो आप यहाँ से ध्यान रखिए, मैं पूरे डेप्थ में चल रहा हूँ, आप एक एक पॉइंट को बहुत ही ध्यान से पढ़िए, नोट्स तैयार कीजिए, वीडियो है इसको आप ये पॉज करके बार बार वीडियो को देखिए, जहाँ भी डाउट होता है उसे आप रिपीट कीजिए बार बार, एक बार कंप्लीट तो कीजिए, उसके बाद प्रॉब्लम आपसे खुद से सॉल्व होगा, जब कंसेप्ट की कमी के कारण प्रॉब्लम नहीं बनता है, इस बात को समझिए। और वीडियो डेली देखिए, रेगुलर देखिए, अपनी नोटबुक पे लिख दीजिए, रेगुलरिटी इज द की ऑफ सक्सेस, रेगुलरिटी इज द की ऑफ सक्सेस। और उस पर एक और बात लिखिए, वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है ना, वर्क इज वर्शिप, ये भी लाइन उस पर लिख दीजिए। अगर आप ये ईमानदारी से और ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये थ्री पॉइंट आपको अपने माइंड में हमेशा आपको रहना चाहिए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट ऑफ पॉलिसी। तो मतलब ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, नहीं सबसे अच्छी नीति है, तो ईमानदारी प्रति है। आप किसी और को कह दोगे कि मुझ में मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, और इंटरनली क्या कर रहे हैं वो तो ऊपर वाला जानता है। तो ये ईमानदारी बरतो, कोई तो देख रहा है तुझे, जैसा करोगे वैसा ही रिजल्ट मिलेगा, तो उससे डरो, ईमानदारी बरते है। उसके बाद आपको वर्क कर्म करते रहिए, वही पूजा है आपकी, वही पूजा है, जितनी पूजा आप कर रहे हैं सबसे बड़ा पूजा आपका कर्म है। उसके बाद आपका रेगुलरिटी इज द की ऑफ सक्सेस, रेगुलर वीडियो देखिए, रेगुलर वीडियो देखिए, ओके ठीक। तो आप वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच, शेयर कीजिए और ईमानदारी से पढ़िए, ओके जल्दी से इसे नोट कीजिए। इसके बाद वाले पॉइंट को एक्सप्लेन करता हूँ, इस पर बहुत सारा एग्जाम्पल करेंगे हम लोग कि क्या क्या होता है, केसेज है, केसेज करने वाले हैं। ओके तो आप जानते हैं ना हम लोग क्या कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन क्या रहता है, अभी हमने क्या देखा, ओके
लीनियर फंक्शन हमने पढ़ा है। ओके, लीनियर फंक्शन में हमने देखा कि इसका इक्वेशन, जो इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता है, नो y इज द फंक्शन ऑफ x, इसका ग्राफ कैसा बनाइएगा? ये इट फॉलोज इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। नो, m क्या है? इंटरसेप्ट पॉइंट, सॉरी स्लोप ऑफ टेंजेंट। m क्या है? तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, नो, और ये c क्या है? इंटरसेप्ट पॉइंट। इंटरसेप्ट पॉइंट है सी ना। और आपने देखा कि ग्राफ इसका कैसे बना, ग्राफ देखा कि यहां पर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये ग्राफ है, सी पे इंटरसेप्ट पॉइंट था इसका, फिर यहाँ पे थीटा एंगल है, ये इसका वाई माइनस सी हुआ और यहाँ से एक्स हुआ था। तो टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, वाई माइनस सी अपॉन एक्स लिखा था। इसे के अनुसार आपको क्या मिला था? एक्स टैन थीटा इज इक्वल टू वाई माइनस सी, तो वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हुआ, ये इक्वेशन मिला आप लोग को। सी क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। नो, टैन थीटा स्लोप कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, स्लोप कैसे इंक्रीज करता है, कैसे डिक्रीज करता है, ये सारा टैन थीटा पे डिपेंड करेगा। टैन थीटा जीरो डिग्री से इन्फिनिटी, 90 डिग्री तक इंक्रीज करता है, जीरो से इन्फिनिटी तक 90 डिग्री तक इंक्रीज करता है और 90 से फिर डिक्रीज करता है 180 डिग्री तक टैन थीटा। तो इसका मतलब स्लोप भी इंक्रीज करेगा 0 से 90 डिग्री तक और स्लोप डिक्रीज करेगा 90 के बाद। तो आइए केस वन पढ़ते हैं। केस वन क्या होता है? y इज इक्वल टू, इससे भी पहले जरा सा नोट में हम लोग लिखेंगे, केस लिखने से पहले नोट को लिखते हैं। नोट होता है जब स्लोप इसका पॉजिटिव और नेगेटिव कब होगा। टैन थीटा इज पॉजिटिव एंड इंक्रीजेज फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री व्हाइल टैन थीटा इज नेगेटिव। नेगेटिव होता है एंड डिक्रीज करता है एंड डिक्रीजेज फ्रॉम 90 डिग्री टू 180 डिग्री। क्लियर है ना? 0 से 90 डिग्री तक टैन थीटा इंक्रीज करता है और पॉजिटिव होता है,
लेकिन 90 डिग्री से 180 डिग्री तक ये डिक्रीज करेगा और निगेटिव होगा। इस नोट्स का यूज करके आइए केसेज को पढ़ने वाले या फिर इस नोट्स को बाय फिगर समझ लेते हैं। बाय फिगर क्या होगा इसमें, आप देख लो, इधर वाई एक्सिस है और इधर एक्स एक्सिस। तो इसमें क्या होगा, कोई स्ट्रेट लाइन आप ऐसे ड्रा कर दिए, ऐसे ड्रा कर दिए, तो ये कितनी एंगल फॉर्म कर रहा है देखिए, तो ये एंगल इंक्रीज कर रहा है ना, जीरो से 90 डिग्री तक, जीरो से 90 डिग्री तक एंगल इंक्रीज कर रहा है ना, एंगल इंक्रीज कर रहा है, स्लोप भी तो इंक्रीज कर रहा है। स्लोप मीन्स क्या होता है, ढाल, ढाल, इसका स्लोप इंक्रीज कर रहा है ना। अगर मैं आपसे पूछूं, ये वन नंबर है, ये टू नंबर है और ये थ्री नंबर है, मैं बोलूं कि टू का स्लोप वन से कम है या ज़्यादा, तो क्या बोलेंगे, टू का स्लोप ज़्यादा है, क्योंकि टू का एंगल भी ज़्यादा है, टेन थीटा एंगल फर्स्ट वाले से ज़्यादा है ना। फिर थर्ड वाला, थर्ड लाइन भी, थर्ड स्ट्रेट लाइन भी क्या है, थर्ड स्ट्रेट लाइन भी सेकेंड से और फर्स्ट से ज़्यादा है, वो एंगल थर्ड स्ट्रेट लाइन का एंगल ज़्यादा है, तो इसका स्लोप ज़्यादा होगा, क्योंकि टेन थीटा इंक्रीज कर रहा है ना, जीरो से 90 तक इंक्रीज करेगा, 90 के बाद डिक्रीज करेगा ये, ओके। तो ये, और फिर क्या पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा स्लोप, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव कब तक होगा, 90 डिग्री तक ही होगा, लेकिन 90 से ज़्यादा जाएंगे तो निगेटिव हो जाएगा ये, ओके। तो ये पॉजिटिव होगा, ऐसा स्लोप इंक्रीजेज, इंक्रीजेज एंड इंक्रीजेज फ्रॉम 90 डिग्री टू, सॉरी, 0 डिग्री टू 90 डिग्री एंड पॉजिटिव। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि टैन थीटा ऐसा होता है, रीजन आपको ध्यान में रखना है, क्यों ऐसा होता है, टैन थीटा इज पॉजिटिव एंड इंक्रीजेज, टैन थीटा पॉजिटिव और इंक्रीजेज होता है जीरो से 90 डिग्री तक, इसलिए ऐसा होगा। दूसरा कंडीशन है 90 से 180 डिग्री तक क्या होता है, जरा देखिए, इधर में है वाई और इधर एक्स, अगर ये ऐसे हो, देखिए ये, फिर ये, फिर ये, देखिए तो जरा यहाँ से एंगल तो इंक्रीज कर रहा है, लेकिन स्लोप क्या हो रहा है, इसमें ये फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, क्या इसका स्लोप फर्स्ट का जितना स्लोप था सेकंड का उतना ही है या कम हो गया, कम हो गया ना, तो स्लोप डिक्रीज करता है। जब स्लोप डिक्रीज करे तो आपको समझ जाना है ये 90 से 180 डिग्री के बीच में स्लोप डिक्रीज कर रहा है, स्लोप डिक्रीज कर रहा है ना, और निगेटिव होता है, टैन थीटा 90 से 180 तक निगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पर ये जो है स्लोप डिक्रीजेज है, डिक्रीज कर रहा है, ये भी लिख लेंगे, स्लोप डिक्रीजेज, रीजन पे ध्यान देना है, क्या रीजन है कि डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि टैन थीटा ही डिक्रीज कर रहा है। ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में टैन थीटा का ग्राफ पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन इतना अभी ध्यान रखिए कि 0 से 90 डिग्री तक क्या होता है और 90 से 180 डिग्री तक टैन थीटा के साथ क्या होता है, ये कंडीशन को याद रखना है, दो कंडीशन ही तो याद रखना है, क्योंकि इसी का बहुत ज़्यादा यूज है, स्लोप डिक्रीजेज एंड निगेटिव, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम 90 डिग्री टू 180 डिग्री। क्यों ऐसा होता है, टेन थीटा ऐसा होता है, इसलिए ऐसा होगा, ओके। आगे बात समझ में ना, जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम लोग इस पे केसेस पढ़ेंगे।
ओके तो हम लोग पढ़ रहे हैं लीनियर फंक्शन। अभी क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, फर्स्ट नंबर का लीनियर फंक्शन पढ़ रहे हैं। ओके लीनियर फंक्शन में आपने देखा कि टैन थीटा कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव है, फिर कब इंक्रीज करता है कब डिक्रीज करता है, उसके अनुसार स्लोप इंक्रीज और डिक्रीज करता है ना। तो आइए इसके बेसिस पे केस वन को पढ़ते हैं। केस वन कहता है कि इक्वेशन कैसा हो, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो यहाँ पे m क्या है, m पॉजिटिव है या नेगेटिव है, m क्या है ये बताइए, और फिर इंटरसेप्ट पॉइंट भी क्या है ये बताना है, पॉजिटिव या नेगेटिव के टर्म में। तो m स्लोप तो पॉजिटिव है ना, तो ये भी पॉजिटिव होगा, और ये इंटरसेप्ट पॉइंट क्या है, इंटरसेप्ट पॉइंट भी पॉजिटिव है। देखिए दोनों पॉजिटिव है, तो हम स्ट्रेट लाइन ऐसा ड्रा करेंगे कि दोनों पॉजिटिव होना चाहिए। तो आइए ग्राफ ड्रा करते हैं, इधर एक्स एक्सिस इधर वाई एक्सिस होता है, वाई पॉजिटिव किधर होगा, अप या डाउन में, अप में, ऊपर में, ये वाई पॉजिटिव होगा, मैं यहां पे प्लस सी लिख देता हूं। अब हमें ऐसा लाइन ड्रा करना है जो 90 से कम एंगल को फॉर्म करे, 90 से ज्यादा नहीं एंगल बनना चाहिए। तो कैसे लाइन ड्रा किया जाए जिससे ये 90 से कम एंगल फॉर्म करता हो। अगर मैं ऐसा लाइन ड्रा करता हूं ऐसा, तो क्या लगता है आपको, ये x के साथ ये एंगल 90 से कम है ना, लेस देन 90 एंगल फॉर्म हो रहा है ना। कहीं भी एंगल फॉर्म करके चेक कर लीजिए इस लाइन पे, यहाँ भी आप एंगल फॉर्म कीजिएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म करना है, हमेशा एंगल एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म होता है। नोट्स में मैं लिखवा दूंगा इसको। तो ये हुआ स्ट्रेट लाइन, इस इक्वेशन के लिए ये स्ट्रेट लाइन होगा जिसका स्लोप भी पॉजिटिव है और इंटरसेप्ट पॉइंट भी पॉजिटिव है। इसलिए ये जो आप इस इक्वेशन का अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो यही इक्वेशन यही ग्राफ आएगा, ये स्ट्रेट लाइन होगा। तो इक्वेशन के अनुसार स्ट्रेट लाइन आता है, स्ट्रेट लाइन चेंज होता रहता है इक्वेशन के अनुसार। देखते हैं कैसे चेंज होता है, क्या होता है, ये सब हम लोग देखेंगे। तो देखिए ये ऐसा है, ये जो लाइन है ये ग्राफ है स्ट्रेट लाइन, ये किस इसका इक्वेशन क्या होगा, ग्राफ देख करके भी आपको इक्वेशन लिखना होगा। तो क्या लिखेंगे आप, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बोलना पड़ेगा। ये जो ग्राफ है उसका इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होगा। कोई एग्जाम्पल दिया जाए आपको, एग्जाम्पल दिया गया कि y इज इक्वल टू 4x प्लस 5 है, 4x प्लस 5 है, तो इसमें भी स्लोप क्या है, प्लस 4, और इंटरसेप्ट पॉइंट क्या है, ये भी प्लस 5 है। दोनों के लिए ग्राफ कैसा होगा, यही ग्राफ आएगा, इस इक्वेशन का भी ग्राफ वही आएगा ना, इसका भी ग्राफ वही आता है दो वेरिएबल के बीच। तो नोट में मैं लिख देता हूं, एंगल इज ऑलवेज फॉर्म्ड एंटी क्लॉकवाइज, थीटा इज ऑलवेज फॉर्म्ड एंटी क्लॉकवाइज नो, एंटी क्लॉकवाइज है ना, ये एंगल फॉर्म हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज, आपको पता है ना, क्लॉक के अपोजिट डायरेक्शन में ये एंटी क्लॉकवाइज होता है।
हमेशा एंटी क्लॉकवाइज एंगल फॉर्म करना है, ये ध्यान रखिएगा। तो इस केस में आपको ये मिला। केस टू देखिए, केस टू कर रहा है क्या, अगर y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी दे दूं तो तब इसका स्ट्रेट लाइन कैसा ड्रॉ होगा, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके दिखाइए। फिर ग्राफ किसके बीच, दो वेरिएबल कौन कौन सा है, y और x है, y और x वेरिएबल है, इसके बीच ग्राफ ड्रॉ करना होगा ऐसे, इधर x और इधर y होगा। तो सी यहां पर इंटरसेप्ट पॉइंट क्या है, पॉजिटिव है, प्लस सी रखिए, और एम क्या है, स्लोप क्या है, निगेटिव है, स्लोप निगेटिव है, यानी एंगल टैन थीटा निगेटिव होना चाहिए। टैन थीटा निगेटिव कब से कब, किस एंगल पे हो सकता है, 90 से ज़्यादा। जो 90 से ज़्यादा हम कोई ऐसा लाइन ड्रॉ करेंगे जो इंटरसेप्ट पॉइंट को टच करता हुआ पास करे। तो यहाँ से लाइन ड्रॉ करने से तो सी को टच नहीं कर पाएगा, ऐसे ड्रॉ करेंगे तो एंगल कम हो, छोटा कम होगा, तो हम इसे ऐसे ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा हमें, इसके सिवाय कोई दूसरा लाइन नहीं हो सकता है, यही लाइन होगा। अब इसमें अगर आप एंगल की बात करेंगे तो कहीं भी एंगल फॉर्म करके देख लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ भी एंगल फॉर्म करके देखिए, क्या ये 90 से ज़्यादा है ना, मोर देन 90 डिग्री एंगल बन रहा है ये, यहाँ पे थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है और स्लोप है ये, जब 90 डिग्री है तो निगेटिव स्लोप होगा, निगेटिव स्लोप होगा, तो ये स्ट्रेट लाइन होगा इस ग्राफ, इस इक्वेशन के लिए। इसका ग्राफ कोई आपसे कहे कि इसका, इस इक्वेशन का आप ग्राफ ड्रॉ कीजिए, तो तुरंत समझ जाना है कि ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा है, ये लीनियर फंक्शन है और इसे हमें ऐसे रिप्रेजेंट करना है, ये ग्राफ होगा इसका। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या होगा, वाई इज इक्वल टू माइनस 4x प्लस 5 गिवेन हो, अगर ये दिया हो तो हम वहाँ पे उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। ग्राफ का जब आपका क्वेश्चन आता है काइनेमेटिक्स में, आगे भी आपको आएगा वो वेव एंड साउंड में, तो वहाँ पे आपको परेशानी होगी इसकी कमी के कारण, लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना। तो देखिए कैसे हुआ, यहाँ पे माइनस फोर क्या है, माइनस फोर क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, और फाइव क्या है, इंटरसेप्ट पॉइंट है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, वही शो किया गया है, देख लीजिए। यहाँ पर एम क्या है, माइनस फोर, और सी क्या है, प्लस फाइव, ऐसा। ओके, केस वन और केस टू को हमने देखा, केस थ्री देखिए। केस थ्री कहता है कि अगर आपको ग्राफ माइनस फोर एक्स माइनस फाइव गिवेन हो तब क्या होगा, इस टर्म में अगर गिवेन हो तो अब आप समझ सकते हैं कि कौन सा स्लोप होगा और कौन सा इंटरसेप्ट पॉइंट होगा। यहाँ पे मैं आपसे बात करूँ कि स्लोप क्या है, तो आप कहेंगे कि सर m इज इक्वल टू माइनस फोर है और c क्या है, ये भी माइनस फाइव है, दोनों निगेटिव है, तो आइए इसके बीच लाइन ड्रॉ, इधर एक्स इधर वाई है, ग्राफ कैसे ड्रॉ कीजिएगा, ये निगेटिव वाई एक्सिस, निगेटिव सी कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे निगेटिव सी, और स्लोप भी इसका निगेटिव होना चाहिए, स्लोप निगेटिव होने के लिए एंगल क्या होगा, टैन थीटा निगेटिव कब होगा, जब एंगल 90 से ज़्यादा हो, एंगल 90 से ज़्यादा कब हो सकता है, ऐसा ये लाइन ड्रॉ होगा। आप देखिए यहाँ पे एंगल फॉर्म करके, ये 90 से ज़्यादा एंगल है कि नहीं, तो ये स्ट्रेट लाइन होगा, ये स्ट्रेट लाइन हमें इस इक्वेशन का ग्राफ होगा, वाई इज इक्वल टू माइनस फाइव एक्स माइनस फाइव गिवेन हो तो इसका, इस इक्वेशन का ग्राफ कोई बोले आपको कि ड्रॉ कीजिए, तो आपको ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा, ये ड्रॉ होगा। यहाँ पे पता, ये समझ रहे हैं ना कि स्लोप यहाँ निगेटिव होगा सर, क्योंकि 90 से ज़्यादा एंगल है और सी,
तो डाउन में है, वाई एक्सिस निगेटिव होता है डाउन में। केस थ्री तक आपने देखा, जल्दी से इसे नोट कीजिए, इसके बाद एक दो केसेज और है जिसे देखते हैं। ओके, अब देखिए केस फोर, केस फोर क्या होता है देखते हैं। केस फोर में क्या होता है, केस फोर होता क्या है कि ये इसमें इंटरसेप्ट पॉइंट नहीं हो। ऐसा भी एक केस फोर हो सकता है कि स्लोप इसका पॉजिटिव हो और इंटरसेप्ट पॉइंट निगेटिव हो। y इज इक्वल टू 4x माइनस सी माइनस 5, और इसका ग्राफ ड्रॉ करना है आपको। कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे m क्या है पहले बताइए, प्लस 4 है पॉजिटिव है, और c क्या है माइनस 5 है निगेटिव है, इंटरसेप्ट पॉइंट। अब आप ड्रॉ कर सकते हैं आसानी से, क्या होगा इधर x इधर y, फिर ये क्या स्लोप c निगेटिव यानी इधर में माइनस सी होगा यहाँ, ठीक। लेकिन यहाँ स्लोप तो पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है तो कैसे ड्रा करेंगे, 90 डिग्री से कम एंगल होना चाहिए। कैसे ड्रा करेंगे, यहाँ से ये लाइन होगा, ठीक है, ये लाइन हमें ये शो कर रहा है। देखिए इसकी एंगल एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म करके देखिए, ये एंगल क्या शो कर रहा है, ये 90 डिग्री से कम एंगल है, ये पॉजिटिव स्लोप कर रहा है, थीटा लेस देन 90 डिग्री, इसलिए ये पॉजिटिव होगा। तो ये ग्राफ होगा इस इक्वेशन का, समझ गए, केस फोर हुआ। अब आइए केस फाइव की बात करते हैं। केस फाइव कह रहा है कि इंटरसेप्ट पॉइंट नहीं हो, अगर वनली स्लोप हो उसमें, y इज इक्वल टू अगर mx लिखा हुआ है तो इंटरसेप्ट तो नहीं है ना, जब इंटरसेप्ट नहीं है तो स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करेगा। स्ट्रेट लाइन पासेज फ्रॉम ओरिजिन, ये पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है। कैसा ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा, तो 90 से कम एंगल बनना चाहिए, ये होगा। देखिए ये प्लस एम है, y इज इक्वल टू ये ओरिजिन से पास करेगा क्योंकि इंटरसेप्ट तो है नहीं, तो y इज इक्वल टू होगा प्लस एम एक्स का है। कोई एग्जाम्पल लिखिएगा, तो एग्जाम्पल होगा y इज इक्वल टू प्लस 4x होगा, ये इसका एग्जाम्पल होगा। केस फाइव इसकी बात आप देखें, केस सिक्स में क्या होगा, तो y इज इक्वल टू एम ए सॉरी माइनस एम एक्स एक्स और इधर y है, माइनस है स्लोप, स्लोप माइनस होगा तो ग्राफ कैसा ड्रा होगा, जब एंगल इसका 90 से ज़्यादा बनता हो, कहीं भी ड्रा करके देखिए एंगल, ये एंगल 90 से ज़्यादा है ना, ओरिजिन से तो पास करेगा क्योंकि इंटरसेप्ट पॉइंट नहीं है, तो ये ग्राफ होगा आपका y इक्वल टू माइनस एम एक्स का। अगर एग्जांपल y इक्वल टू माइनस 4x लिखा हो तो इसके लिए ग्राफ ऐसा ही होगा। तो लीनियर फंक्शन में इससे ज़्यादा केसेस नहीं हो सकता है, हम लोग सारे केसेस को कर रहे हैं, इसलिए आप डेली से ईमानदारी से अपनी नोट्स तैयार करते रहिए इसका,
और बार बार वीडियो देखिए, जहाँ भी डाउट होता है उसे बार बार देखिए, रिपीट कीजिए वीडियो को। वीडियो होने से आपके लिए बेनिफिट ये है कि इनफाइनाइट टाइम्स आप इसे देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। तो बार बार देखिए और डाउट को क्लियर कीजिए, यही पाथ है। पाथ ऑफ सक्सेस क्या है? यही है। अगर आप डाउट को छोड़ेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में और ज़्यादा डाउट आएगा। क्लियरिफाई करते चलिए स्टार्टिंग से ही, बार बार वीडियो देखिए, ओके। और फिर इसे ऐसे फ्रेंड के बीच शेयर कीजिए जिसे इसकी नीड हो। फिर से मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, और आप लोग अपना नोट्स तैयार कर रहे हैं ना, ईमानदारी से कीजिए, रेगुलर कीजिए ना। और ये वर्ड याद रखिए, वर्क इज वर्शिप, वर्क इज वर्शिप। आप कर्म जो कर रहे हो वही आपकी पूजा है, ओके। यहीं से जब आप लोग डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन कंप्लीट करते हैं तो हमारा 12 का टॉपिक, कोई भी ऐसे तो फिजिक्स का कोई भी टॉपिक समझने में आसानी होती है, 12 का टॉपिक में थोड़ा सा और मैं स्पीड ला दूंगा जब मैं डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन कंप्लीट करा देता हूँ तब। तो इसे ईमानदारी से कंप्लीट कीजिए, क्योंकि इसका यूज है वहाँ। वहाँ मैं इसके बिना कुछ भी बताता हूँ तो आप प्रॉब्लम होगी आपको, ठीक। तो आप इसे ईमानदारी से डेली कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।